क्या बका, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या लगता है? लगने में तो आम की पेटी लग रही है। तो आम की पेटी ही है बेटा। अरे वाह, मतलब आज मैंगो पार्टी। मजा आएगा जब मिल बैठ के पियेंगे तीन यार आमरस। यार मतलब मिल बैठ के काट के बांट के खाएंगे हम तीन। नहीं नहीं, खाएंगे खाएंगे, लेकिन आज नहीं फिर कभी। ये आम तो दरअसल मैं वो हमारे रामसंग कंपनी के नए मैनेजर मैडम आए ना, उनके लिए लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं देके आऊँ? ले, मैं लेता हूँ। पोपट भाई का फोन है। पूछ क्या है जी? हाँ पोपट भाई, बागा बात कर रहा हूँ। बागा जेठालाल का है? यही है, आम की पेटी उठाकर खड़े हैं, इसीलिए तो फोन मैंने उठाया। देखा, मेरा मतलब है सुना। आप कह रहे थे कि जेठालाल ने आम की पेटी नहीं ली है, उसी ने ली है। बागा, जेठा को फोन देना जरा। जी बापूजी बात करना चाहते हैं। पोपटलाल का फोन है क्या बापूजी का? नहीं, पहले पोपट भाई बात कर रहे थे, फिर अचानक बापूजी की आवाज आई, सेठ जी को फोन दे, ऐसा कहा। हाँ, हाँ बाबूजी। जेठा, तेरे पास आम की पेटी कहाँ से आई? मैं भी दुकान आते आते लेता आया। कमाल है जेठालाल, मेरी आम की पेटी तुम दुकान कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई, तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है, तुम एक दो आम खरीद के वहीं के वहीं खड़े खड़े खा लेते हो रेकड़ी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं एक दो आम खरीदता हूँ ये बराबर है, लेकिन मैं वो रेकड़ी वाले के पास खड़े खड़े नहीं खाता हूँ। उस आम को मैं घर पर लेकर आता हूँ, उसे अच्छे से धो कर काट के फिर आराम से बैठ के खाता हूँ। और एक दो आम मैं इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि मैं ठहरा अकेला आदमी, एक साथ एक दो आम ही खा सकता हूँ, तो मैं एक दो डजन आम क्यों खरीदूं? और मान लो कि अगर मैंने एक दो डजन आम खरीद लिए तो उसे खत्म करने में एक दो हफ्ते लगेंगे, और तब तक अगर एक आध फल बिगड़ गया, अरे बिगड़ गया क्या, बिगड़ता ही है, तो हो गया ना मेरा 100 रुपए का नुकसान, समझे कि नहीं? समझ गया। तो अब जल्दी से जल्दी बागा के हाथों मेरी आम की पेटियां भिजवा दो। अरे भाई, अभी तुमने खुद कहा कि भाई एक दो डजन आम मैं एक साथ नहीं खरीदता हूँ, तो फिर ये आम की पेटी तुम्हारी कैसे हुई? अरे भाई, आम की पेटी मैंने नहीं खरीदी है। तो जेठाप्रा कौन? ओ, मैं सोडी। अरे सोडी, तू भी है वहाँ पे? हाँ? और कौन कौन है? और कोई नहीं, चाचा जी है, टप्पू है, पप्पू है, और मैं हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? थोड़े कार विच। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चल। अरे चल क्या भाई, मेरी आम की पेटी तो भिजवाओ। अरे भाई, तुम्हारी आम की पेटी मैं कहाँ से भिजवाऊँ? अरे तुम्हारे पास जो आम की पेटी है वो मेरी है। दरअसल हुआ यूं, मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुके हैं? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ, आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा, मैं कल मुंबई आ रही हूँ, आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट, सर अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया, इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ, यही साइड में रख देता हूँ, पर फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी, एक मिनट देता हूँ। और वही आम की पेटी तुम दुकान पर लेकर चले गए हो? अरे नहीं भाई, मैं जो आम की पेटी लेके आया हूँ ना, वो तो दुकान आते आते रास्ते में वो आम की वखार से खरीद के लेके आया हूँ भाई। अच्छा, हाँ देखा है? नहीं मतलब सुना है? सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल, फोन रखता हूँ। सोडी चल, चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आज पूजा बेटी के साथ तेरी जोड़ी बन जाएगी। नहीं, आम की पेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए।
आम की पेटी मिलेगी तभी पूजा मिलेगी। हाँ, आम की बेटी भी मिल जाएगी, मतलब आम की पेटी भी मिल जाएगी और पूजा बेटी भी मिल जाएगी। हाँ? जा जा जा। ऑल द बेस्ट फॉर गॉड अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सोटी, आम की पेटी को धरती निकल गई क्या, आसमान खा गया? हौसला रख, मिल जाएगी। मर गए, पूजा का फोन। हेलो पोपटलाल जी, मैं ऑफिस आ गई हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, फ्लाइट तो डिले हो ही सकती है ना, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पोपटलाल जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप है कहाँ? मुझे लगा आप मुझसे पहले पहुँच जाएंगे, मैंने सुना है आप टाइम के बड़े पंक्चुअल है। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है। क्या है ना, तुम भी लेट होने वाली थी तो मैं भी लेट हो गया। वैसे पूजा, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, अपना हर काम टाइम पर करता, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस पहुंचना। सिर्फ टाइम पे शादी होनी रहेगी। सॉरी सॉरी पूजा, तुम आराम से ऑफिस में बैठो, चाय कॉफी पियो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ हाँ आप आराम से आइए। बाय बाय। क्यों होया? अरे वो ऑफिस पहुंच गई है, चल। यार सोड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जेठालाल ने भी मेरी आम की पेटी नहीं ली है, बाहर से भी कोई आया गया नहीं है, ये अचानक कहाँ गायब हो गई? हमारी सोसाइटी में से भी कोई आम की पेटी चुरा नहीं सकता, और तेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है जो तेरी आम की पेटी छुपा कर तुझे परेशान करे। झगड़ा? अरे हाँ, मेरा सुबह झगड़ा हुआ। किससे? अय्यर भाई के साथ। अरे 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 क्या कर रहे अय्यर भाई, अरे देख कर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोल रहा है, तुम देख कर नहीं चल सकता है? अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। पोपटलाल, आई एम सॉरी। पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल। ओ तेरी, मैं समझ गया, वो इसी गर्मा गर्मी ने आग लगाई है, वो अय्यर प्रा ने ही तेरी आम की पेटी छुपाई है तुझे परेशान करने के लिए, मतलब तुझे सबक सिखाने के लिए। अरे सबक तो मैं अय्यर भाई को सिखाऊंगा, उन्हें पता था कि मुझे लेट हो रहा है, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी आम की पेटी छुपा दी। अय्यर भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर भाई, शांति से पप्पू। अय्यर भाई तो गए आज। अरे मैंने तो देखा कौन इतना डोरबेल बजा रहा है। पोपट भाई, सोरी भाई, क्या हुआ, इतनी बार डोरबेल क्यों बजा रहे हो? डोरबेल के लिए सॉरी। ओहो पोपट लाल, इतना बन टन के क्या शादी का इनविटेशन देने के लिए आया है? अरे क्या शादी का इनविटेशन देने आयो, वो शादी करने दे तो ना, और कोई इंसान ऐसे ही अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, जब शादी कर रहा हो तभी अच्छे कपड़े पहनेगा। पोपट भाई रिलैक्स, क्या आप अपने गुस्से में क्यों हो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बबीता जी गड़बड़ तो हुई है, और पप्पू नो डाउट है कि वो गड़बड़ अय्यर प्राणी की है। मैंने गड़बड़ किया? मैंने क्या गड़बड़ किया? अय्यर भाई आप सच सच बता दीजिए, सी विंग के एंट्रेंस के पास एक आम की पेटी पड़ी थी, वो आपने ली है? आम का पेटी? मैंने कोई आम का पेटी नहीं लिया, और किसी का नहीं जा रखा हुआ आम का पेटी मैं क्यों लेगा? आम खाने के लिए। आम देख के अच्छो अच्छो का मन पिघल जाता है। एक गल तो सही है पप्पू, क्योंकि अगर मेरे सामने एक तरफ 32 तरीके के पकवान पड़े हो और एक तरफ आम पड़े हो तो मैं तो आम ही खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं खाएगा, मेरे को आम ज्यादा पसंद नहीं है। वो केहो जा बंदा है तू, वो तेनू आम पसंद नहीं है? ओ यार, आम तो फलों का राजा होता है, और लोग पूरा साल इंतजार करते हैं आम के सीजन के आने का। ओ आम कितने मिठे मिठे, ओ कितने रसीले होते हैं, ओ मेरे सामने आम आ जाए तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। That's okay, sorry भाई, it's just that अय्यर को आम से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद है, that's why. Yes, I prefer dragon fruit. Dragon fruit is very nutritious and healthy. इसका इंडियन नेम कमल फल है। अरे ये क्या चल रहा है? सूडी,
तूने क्या शुरू कर दिया? हम यहाँ आम के गुणगान गाने आए हैं। अय्यर भाई, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने मेरी आम की पेटी कहाँ रखी है? पोपड़लाल, मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया है, और मैं तुम्हारा आम का पेटी क्यों लेगा? बदला लेने के लिए। क्या बदला? हाँ। किस बात का? आज सुबह हमारा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े का बदला लेने के लिए आपने मेरी आम की पेटी छिपा कर रखी है। देखिए अय्यर भाई, मैंने तभी आपको सॉरी नहीं बोला था, मैं सबके सामने आपको सॉरी बोलता हूँ। प्लीज मामले को खत्म कीजिए और फटाफट मेरी आम की पेटी दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो झगड़ा तो मैं कब का भूल गया। तुमको यकीन नहीं है ना, मैं बबीता का कदम उठा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। हाँ भाई पप्पू, अय्यर प्रा ने आम की पेटी नहीं ली होगी, क्योंकि वो बबीता जी की चोटी कसम नहीं खा सकते। अरे तो गई कहाँ? हाँ लेकिन बात कहे पोपट भाई, ये तो बताइए। कहा था मैंने ऑडियो क्लिप बना लेते। अरे वो हुआ यूं कि हमने सारे घरों में जाके चेक कर लिया, लेकिन आम की पेटी किसी के यहाँ नहीं। तब मुझे याद आया कि सुबह मेरा और अय्यर भाई का झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अय्यर भाई ने उसका बदला लेने के लिए पेटी ले ली हो। अच्छा ये बात है। अच्छा हुआ पोपड़लाल, तुमने मेरे को पूछ लिया और मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। पर पोपड़ भाई, ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो और आके पेटी लेके गया हो। नहीं बबीता जी, हमने प्रेस वाले से कंफर्म किया है। प्रेस? मतलब इस्त्री वाले से। तो उसने कंफर्म बताया है कि बाहर से कोई भी आदमी हमारी सोसाइटी में नहीं आया था। फिर पोपड़लाल तुम्हारा आम का पेटी गया किधर? अरे वही तो नहीं पता। और पप्पू चल नीचे चल के फिर से ढूंढते, शायद कोई सुराग मिल जाए। अय्यर भाई, बबीता जी, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आम की पेटी ने तो थका दिया आज। ओ हाँ यार, वो इतनी थकावट तो ट्रक का टायर बदलने में भी नहीं होती। अरे आम की पेटी मिल नहीं रही है, पूजा मेरा वेट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं दुनिया का पहला लड़का हूं जो लड़की को वेट करवा रहा हूं। ये भगवान, कुछ तो मदद करो। ये मदद कर रहे हैं आप? क्यों क्यों आया? अरे वो डिलीवरी बॉय का फोन है। अरे तो डर क्यों रहा है, फोन उठा। चले गल कर। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं नीचे आ गया हूँ। तुम आ गए इतना जल्दी? सर पिछली बार आपने मुझे डांटा था, इसलिए इस बार एकदम टाइम पे आया हूँ। एक घंटा हो गया। नहीं एक घंटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है, अभी तो मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे। हो गया सर, हो गया, पूरा एक घंटा हो गया। आपकी घड़ी स्लो होगी। अरे सुबह से तुम्हारी घड़ी खराब है, कभी लेट आते हो कभी टाइम पे आते हो। ठीक है सर, आप बस एक काम करिए, अपना पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए सर, मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अच्छा तो एक काम कर, तू दूसरी जगह जा क्या पहले। ओ नहीं, ओ तू थले रुक, हम नीचे आते। अरे क्या कर रहा है सोडी, हमारे पास उसका पार्सल कहाँ है जो उसे देंगे। अरे भाई वो 2-3 डिलीवरी करने जाएगा, तब तक हम ढूंढ लेंगे। ओए पप्पू, अगर वो 2-3 डिलीवरी करने गया और शाम तक ही अटक गया तो तू लटक जाएगा। अरे लेकिन जब तक हम उसे उसका पार्सल नहीं देंगे तब तक वो हमें हमारा पार्सल नहीं देगा। ओए पप्पू रिलैक्स यार, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है। मैं हूँ ना, वो मैं उसे समझाऊंगा, तू चल मेरे ना। मैं दिलाता हूँ ना तुझे तेरा पार्सल। चल चल आजा। ए हरीश। हाँ। ओ हरीश आ रहा। ओ पप्पू का पार्सल दे दे। पप्पू? अरे ये मेरे यार पोपटलाल जी का पार्सल दे दे। सर लेकिन मेरा पार्सल? वो अभी नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा ना तब दे देंगे। लिया पार्सल दे। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको ऐसे पार्सल नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? वो ऐसे कैसे नहीं दे सकते? एक मिनट सॉरी, एक मिनट। देखो भैया हरीश, मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ। मैंने तुम्हारा पार्सल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा। लगता है वो आम की पेटी को चुरा कर ले गया और उसमें से सारे आम खा लिए। देख मैं तुझे 100 रुपए और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सॉरी सर, पर मैं ये पार्सल आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे पोपटलाल जी जिनको मुझे वो आम की पेटी देनी है, वो बार बार मुझे फोन करके खरी खोटी सुना रहे हैं। तो उनको तो मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तुम एक काम करो, उनका नंबर मुझे दो, मैं फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। अरे सर ऐसा नहीं होता है।
सर आप मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए सर, वरना मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे मुझे मेरा पार्सल दे दे, वरना मेरे हाथ से छोकरी चली जाएगी। सॉरी सर, पर जब तक मुझे आप आम की पेटी नहीं देंगे तब तक मैं आपका पार्सल नहीं दूंगा। ओए कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तू समझ ही नहीं रहा। ओए सीधे सीधे समझ जा, नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चल पार्सल दे। नहीं सर, नहीं सर, जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे बोला ना नहीं मिल रही है आम की पेटी, कहाँ से दूं? सर वहीं से दीजिए जहाँ आपने छुपाई है। क्या मैंने आम की पेटी छुपाई है? हाँ सर मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आप लोग मुझ पर दादागिरी करके मुफ्त के आम खाना चाहते हो। मुफ्त के आम? अरे क्या बोल रहा है, तुझे कुछ पता है? दो बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपट लाल पर तू ऐसा इल्जाम लगा रहा है? तुझे मैं मुफ्त के आम खाने वाला दिखता हूँ? अरे अगर तूने गलत पार्सल नहीं दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपना पार्सल लेकर ऑफिस पहुंच गया होता और तू अपनी डिलीवरी कर रहा होता, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। हाँ लेकिन मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना। सर बस मुझे मेरी आम की पेटी दे दीजिए और अपना ये पार्सल ले लीजिए। भाई कितनी बार बोलूं तुझे कि नहीं मिल रही है। सर एक आम की पेटी के लिए कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए तू की बकवास कर रहे है? ओए हम कुछ बोल नहीं रहे तो तू बेलगाम बोली जा रहे। ओए मुफ्त के आम खाने वाले ऐसे सूट बूट में घूमते? सर ये सूट बूट तो भाड़े के भी हो सकते हैं। सर वरना कोई आम की पेटी छिपाता है क्या? अरे ये सूट तुझे भाड़े का लग रहा है? 5,000 रुपए का कपड़ा खरीद कर 2,000 सिलाई देकर खास बनवाया है। अरे सर मुझे वो आम की पेटी दीजिए, मुझे वो दूसरे कस्टमर को भी पहुँचानी है। इसकी सुई एक ही जगह पर अटक गई है। अरे नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ठीक है आप मुझे 4,000 रुपए दे दीजिए। 4,000? किस बात के? वो जो आम की पेटी घुमा दी है उसका 4,000 रुपए दीजिए। अरे मैं क्यों दू? क्योंकि वो आम का बॉक्स आपने गायब किया, अगर मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी तो कंपनी मुझसे वसूल करेगी। वो तो बराबर है भाई, कंपनी तो वसूल करेगी, तुमने गलती की तो भुगतो। ठीक है तो आप भी भुगतो, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पार्सल भी आपको नहीं दूंगा। मेरे यार की शादी का सवाल है, वो दे पार्सल। नहीं सर मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं ये पार्सल नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। ओए पप्पू ये ऐसे नहीं मानेगा, उल्टे हाथ का दूंगा ना तभी सीधा होगा। अरे अरे रुक, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक कहाँ भाग रहा है? अरे पार्सल दे। अरे रुक। देख पप्पू देख, अब फंसी है मछली जाल में। देखते हैं अब भाग के कहां जाता है। सुड़ी, एक दो तीन। क्या कर रहा है भाई, उसे पकड़ना था। ओए मैं तो नू फड़ रहा सी, ओ बिच्चो फट गया। अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि आम की पेटी किसने चुराई है। कोई किसने चुराई है? अरे इसी ने चुराई है। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे सोसाइटी में से किसी ने ली नहीं, बाहर का कोई इंसान अंदर आया नहीं है, सिर्फ इसको पता था कि मेरे पास आम की पेटी है। जब मैं ऊपर गया था तब ये आया होगा, इसने आम की पेटी देखी और देखा आसपास कोई नहीं है तो चुरा ली, अब मुझसे पैसे मांग रहा है। सर देखिए आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करनी ही नहीं है, अभी पुलिस आएगी तो आम का आम और पार्सल का पार्सल हो जाएगा। ओ पुपू तू फोन लगा। हाँ हाँ ठीक है लगाइए फोन आप। लगा रहा हूँ भाई। दोस्तों हिंदी में कहावत है राई का पहाड़ बन जाना, यानी कि छोटी छिपकली जैसी चीज का डायनासोर हो जाना। यहाँ भी आम की पेटी माउंट एवरेस्ट बन गई है भाई। बात शुरू हुई थी पोपटलाल के प्यार से, पहुंच गई है पुलिस तक। पोपटलाल चाहते थे कि भाई गिफ्ट दें पूजा जी को इम्प्रेस करें, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ दूसरा ही हो गया। आम की पेटी चोरी हो गई है, मामला बड़ा पेचीदा है। सबसे बड़ी बात चोरी की किसने, चुराई गई है या नहीं चुराई गई है, कहाँ है आम की पेटी, अब पुलिस
आम की बेटी नहीं गुनहगार को ढूंढेगी, और जब गुनहगार को ढूंढेगी तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। अब देखना यह कि जब इंस्पेक्टर चालू पांडे तफ्तीश करेंगे तब क्या होगा, ये मामला उलझेगा या सुलझेगा या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे ट्विस्ट में आपके लिए होंगे ठाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ, लाइन बिजी आ रही है? बैलेंस नहीं है। ओए पप्पू, तू मेरा फोन ले, मेरे फोन में बहुत बैलेंस है, तू पुलिस से एक घंटे तक बात कर सकता है। एक घंटे क्यों बात करूंगा पुलिस से? ओए मेरे कहने का ये मतलब है तू जितनी चाहे उतनी बात कर सकता है। हाँ। तो फोन लगाना। सर, सर, अरे सर, क्या सर, करता सर, है आम के सीजन में चना ढूंढ रहा है। तुम लोगों ने इस सीजन में आम खाया कि नहीं? कहाँ सर, कितना महंगा है सर, नहीं परवड़ते सर। हाँ वही तो, कौन समझाए बासुंदी को, कह रहे थी कि आते वक्त आम लेते आना। 3000 का भाव चल रहा है यार। हाँ सर। हम जैसे आम आदमी ये आम कैसे खा सकते हैं? तो कहती है कि तुम कहाँ आम आदमी हो, तुम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे हो। आम खाना है तो आम आदमी से सीधे इंस्पेक्टर चालू पांडे बन गया मैं। सर लगता है आपका फोन बज रहा है। मेरा? हाँ सर। अच्छा, अरे क्या, अरे सर, अरे सर, क्या करता है ये? हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। हेलो पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो, पीकॉक अवार्ड विनर, बैचलर पत्रकार, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? पीकॉक अवार्ड नहीं, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। हाँ वही वही, बोलो क्या खुफिया खबर देना चाहते हो? खुफिया नहीं, खुलेआम खबर देना चाहता हूँ। खुलेआम? पांडे जी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सी विंग के पास मैंने एक आम की पेटी रखी थी, वो चोरी हो गई है। चोरी हो गई? क्या आम की पेटी खुली हुई थी? नहीं खुली हुई नहीं थी, पैक थी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसके अंदर आम है? मैंने खोल के देखा था। अभी तो तुमने कहा कि आम की पेटी खुली हुई नहीं थी, पैक थी। नहीं नहीं, वो पैक ही थी, मैंने खोल के देखा तो उसमें पके हुए आम निकले। पके हुए आम? तो तुम्हें चखा नहीं? अरे कैसे चखता, सीजन का पहला पका हुआ आम कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है पोपटलाल? अरे पांडे जी, मैंने बोला ना वो आम की पेटी मेरी नहीं थी। जब तुम्हारी आम की पेटी नहीं है तो बेकार पे पुलिस को फोन करके क्यों परेशान करते हो? रखो यार। अरे सुनिए सुनिए पांडे जी सुनिए, बात आम की पेटी की नहीं, मेरी शादी की है। है? आम से तुम्हारी शादी का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मेरी शादी टूट जाएगी। अरे यार, आम की पेटी न मिलने से किसी की शादी कैसे टूट सकती है? मेरी टूट रही है। अच्छा, मुझे एक बदतमीज आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। अरे कंप्लेंट लिखवानी है तो आओ पुलिस स्टेशन। अरे इतना टाइम नहीं है पांडे जी, अगर मैं पुलिस स्टेशन आया कंप्लेंट लिखवाने तो वो भाग जाएगा। भाग जाएगा? कहाँ से भाग जाएगा? अरे हमारी सोसाइटी से, वो मेरे सामने ही है। तुम्हारे सामने ही खड़ा? चाहे काम करो पोपटलाल, बी स्मार्ट, उसको इधर उधर की फालतू की बात में उलझाए रखो, मैं यहीं बगल में हूँ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। ओके ओके पांडे जी। लगता है गोकुलधाम में प्रॉब्लम हो गई है, हमें वहाँ निकलना होगा। कम ऑन मूव। अभी इंस्पेक्टर पांडे जी आ रहे हैं, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ हाँ, तुम आने दो ना, आपने ही आम की पेटी गायब की है, आप ही फंसोगे। एक बार पांडे जी को आने दे, फिर तेनू पता चल जाएगा किसने पेटी चुराई है और कौन जेल जाएगा। ओ पप्पू, तू टेंशन ना ले, पांडे जी आते ही केस सॉल्व कर देंगे। अरे भाई, लेकिन मुझे बहुत लेट हो रहा है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। वैसे भी पप्पू, ये केस सॉल्व होने से पहले तू कहीं नहीं जा सकता, तू एक काम कर, भरजाई जी नु कह दे। भरजाई? अरे पूजा भरजाई जी नु फोन करके कह दे कि थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ हाँ, बोल देता हूँ। कैसे बोलेगा, बैलेंस नहीं है। अरे हाँ, ला फोन दे। हेलो पूजा, मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। वो सॉरी, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मेरा मतलब है बैटरी नहीं है, तो इसलिए दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप ऑफिस आ गए? नहीं अभी नहीं, मैंने आर्टिकल लिख लिया है, निकल चुका हूँ लेकिन ट्रैफिक में फंसा हूँ। पापा पीप पीप, ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है, मैं उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अच्छा पूजा, तुम कहीं जाना नहीं, तुमने चाय कॉफी वगैरह कुछ लिया? कॉफी तो मैं आपके साथ ही पीऊंगी, और आप मेरा टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अपना काम ही कर रही हूँ। पत्रकार परमेश्वर जी, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ओके बाय बाय। क्या कहा परजाई ने?
पत्रकार परमेश्वर। बात क्या है पोपट भाई? पटेल सर, मुजरिम सोसाइटी में ही है। गुड ना? यस सर। शिशुपाल। यस सर। तुम गेट पे खड़े रहना। ओके सर। खड़े ही मत रहना, अलर्ट भी रहना। ठीक है सर। पटेल तुम मेरे साथ आओ। आइए आइए पांडे जी आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो पोपटलाल, इनमें से कौन है जिनके खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी थी? नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सामने ही खड़ा है। सामने खड़ा है मतलब ऊपर खड़ा है। पोपटलाल सामने सामने ऐसे होता है, ऊपर ऊपर ऐसे होता है। कहाँ है वो? ओ पांडे जी, उत्थे नहीं, इत्थे ऊपर। ये रहा ये रहा। बेटा ये कार्य कितने सालों से कर रहे हो? 5 साल से सर। 5 साल से ये चोरी कर रहा है और आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। बेटा क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस कार्य से खुश हैं? अरे हाँ हाँ सर, बहुत खुश हैं। कहते हैं इसी काम में तरक्की करो। बेटा क्या तुम्हारे कोई परिवार का सदस्य इस कार्य में सहायता करता है? अरे नहीं नहीं सर, आई एम वन मैन शो। वन मैन शो। अच्छा एक बात बताओ, इतने सालों से चोरी कर रहे हो, कभी पकड़े नहीं गए? अरे क्या बात करते हो सर, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो या नहीं ये हम फैसला करेंगे। और तुम ऊपर से क्या बकबक कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ हाँ सर। ऊपर मुंडी करके बात करो तो मुंडी दुखने लगता है। नहीं नहीं बराबर है, ऐसे बात करेंगे तो मुंडी दुखती है, मेरी भी दुखती है। हम लोगों को आदत है मुजरिम नीचे बैठता है, नो दे ऐसा करके बात करते हैं। हाँ क्या नाम है तेरा? हरीश शर्मा। शर्मा मोंटी शर्मा, तुम्हारा क्या लगता है? मोंटी शर्मा कौन? मोंटी शर्मा? अरे वो इंदौर का शातिर चोर जो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। अरे सर मैं आज तक कभी इंदौर गया ही नहीं, मैं मुंबई का ही हूँ सर और यहीं पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ की सो एंड सो कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा तुम्हारे सो एंड सो कंपनी का असली नाम क्या है? सो एंड सो ही नाम है। सो एंड सो कंपनी का असली नाम है? हाँ सर ये कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। तुमको कैसे मालूम? सर कल एक पार्सल मंगाया था। बाहर से? हाँ सर। और सर मैं सो एंड सो कंपनी का ही डिलीवरी बॉय हूँ। सर प्लीज आप इनसे कहिए ना कि मुझे मेरी आम की पेटी मुझे वापस कर दें। तुम्हारी आम की पेटी? हाँ सर। आम की पेटी तो पोपटलाल की चोरी हुई है ना? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना वो आम की पेटी मेरी नहीं है। I'm sorry, तुमने बताया था कि आम की पेटी तुम्हारी नहीं। फिर आम की पेटी चोरी किसकी हुई है? पोपटलाल की। अरे यार पोपटलाल बोलता है कि मेरी आम की पेटी चोरी नहीं हुई और तुम कहते हो कि पोपटलाल की आम की पेटी की चोरी हुई। ये क्या मजाक लगा रखा है पुलिस से? हाँ सर वो ये वाले पोपटलाल की नहीं, दूसरे वाले पोपटलाल की आम की पेटी थी। दूसरे पोपटलाल की? क्या तुम्हारे सोसाइटी में दो पोपटलाल है? नहीं नहीं सर, एक ही पोपटलाल है और वो मैं हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो फिर दूसरा पोपटलाल का? अपने घर पे। वाह कमाल है, जिसकी आम की पेटी चोरी हुई है वो घर पर है और जिसकी आम की पेटी चोरी नहीं हुई है वो पुलिस को कंप्लेन कर कर बिना मतलब का परेशान कर रहा है। नहीं नहीं पांडे जी, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, दरअसल ये मुझे मेरा पार्सल नहीं दे रहा है। अबे पार्सल कहाँ से आ गया बीच में? कहा था ना ऑडियो क्लिप बना ले, दस है। दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा मैं कल मुंबई आ रही हूँ, आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया, इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ, यहीं साइड में रख देता हूँ। पर फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ।
थैंक यू दोस्त, चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट देता हूँ। ओह आई सी, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी इसी तरह परेशान होता। थैंक यू पांडे जी। इट्स अ डिफरेंट एंड सीजनल केस। सीजनल केस? अगले आम का केस है ना, तो हुआ ना सीजनल। है ना? यस सर। अरे पांडे जी, इसे कहिए कि मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पार्सल दे दे, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। सर आप ही बताइए, मैं मेरी आम की पेटी मिले बगैर ये पार्सल कैसे दे दूँ? मेरी नौकरी जाएगी। हाँ ये भी सही है पोपटलाल, जब तक इसे आम की पेटी नहीं मिलेगी ये तुम्हें पार्सल कैसे देगा? हमारे नजरों में न्याय सबके लिए बराबर है। आई एम सॉरी पोपटलाल। अरे पांडे जी, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो क्या मैं शादी ना करूं? आई एम सॉरी पोपटलाल, इस वक्त शादी से ज्यादा आम की पेटी इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बोल रहे हैं पांडे जी, इसकी पेटी पेटी, मेरा पार्सल कुछ नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अरे इतने सालों बाद शादी का मौका आया है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मैं क्या कुंवारा ही मर जाऊं? हम तुम्हें कुंवारा मरने नहीं देंगे पोपटलाल। पाटिल, बेस्ट पार्ट है अब तक एक केस सॉल्व नहीं हुआ है। जी सर। जान से सॉल्व करने का। यस। नेक्स्ट राइट। देखो, हम आम की पेटी ढूंढेंगे और इन्हें दे देंगे। जैसे ही इन्हें आम की पेटी मिल जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारा पार्सल दे देंगे और वो पार्सल तुम तुम्हारी पूजा को दे देना। तुम्हारी पूजा खुश हो जाएगी और तुम उसके साथ अपनी शादी रचा लेना। That's all, case is solved. क्या बात है सर। पाटिल पता करो इस सोसाइटी में बाहर से कौन कौन आया था। ओके यस सर। एक मिनट पाटिल साहब, तेरे सोसाइटी में कोई आया गया नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो दरअसल पांडे जी, वो हमारे गेट के बाहर ना एक स्त्री वाला है, वो हमेशा अपनी दुकान पे रहता है। हमने उससे पूछताछ की थी, उसने बताया कि बाहर से हमारी सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं आया। पूछताछ करने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। जब तुम्हें पूछताछ करनी थी तो हमें क्यों बुलाया? सॉरी पांडे जी, मैं बहुत टेंशन में था, आम की पेटी मिल नहीं रही थी तो मैंने ऐसे ही जनरली पूछताछ कर ली। ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया मतलब चोर सोसाइटी में ही है? नहीं, चोर सोसाइटी का भी नहीं है। ये भी स्त्री वाले ने बताया? नहीं नहीं, मैंने सबके घर में जाके पूछा। सबके? हाँ सबके, हाथी भाई के, सोडी भिड़े, मेहता साहब और अय्यर भाई। जेठालाल के घर जाना भूल गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं भूला। मेहता साहब के बाद हम जेठालाल के घर ही गए थे पूछताछ करने। पटेल, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। किसी मेंबर ने आम की चोरी नहीं की। आम की पेटी गई कहाँ पोपटलाल? पांडे जी केस इज क्रिस्टल क्लियर, आम की पेटी हरीश ने चुराई है। I will explain. Please. Sorry. मैं आम की पेटी को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा था ऐसे। मुझे याद आया कि मुझे पंछियों को दाने डालने हैं। लेकिन पेटी का वजन इतना ज्यादा था, मैंने सोचा इतनी वजनदार पेटी लेकर मैं कहाँ ऊपर जाऊँ, तो इसलिए मैंने उस आम की पेटी को उठाकर यहाँ पर ऐसे यहाँ ऐसे रख दी। अच्छा, फिर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जाता हूँ। अरे कया किधर है? तो बड़ी सफाई से इसने आम की पेटी को चुरा कर अपने डिलीवरी बैग में रख दी। That's all my lord. That's all my lord. ये कोर्ट नहीं है पोपटलाल। सॉरी सॉरी, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, दो चार डंडे मारिए, सारा सच उगल देगा। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर अगर मेरे मन में चोर होता तो सर मैं आम की पेटी लेके भाग जाता, सर यहाँ इनके लिए रुकता ही क्यों? और सर दूसरी बात, सर मैं एक घंटे बाद वापस ही क्यों आता?
करूं? अरे मुझसे 4,000 रुपए बैठने के लिए? नहीं 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 सर, नहीं सर, सर मैं देखिए सर, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर, सर मैं अपना काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ सर। आपको चाहिए तो सर आप मेरा डिलीवरी बैग चेक करवा लीजिए। तुम्हें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर। शिशुपाल। यस सर। इसका डिलीवरी बैग चेक करो। यस। कराइए कराइए। हाँ। अभी पता चल जाएगा। हाँ, अभी पता चल जाएगा। सर आम की पेटी नहीं है सर। तो आम की पेटी गई कहाँ? सर हो सकता है पोपटलाल। मुझे पता है। क्या कर रहे सर? पोपटलाल मैं तुम्हारे गोकुल धाम वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत मजाकिया है, जरूर उन लोगों ने आम की पेटी छुपा कर रखी होगी। चिंता मत करो, वो मिल जाएगी। हाँ शिशुपाल, मेरा PAS लाना। यस सर। PAS? अरे यार वो भोंपू होता है ना, तो जिसमें पुलिस चिल्ला के बुलाती है, आ जाओ सामने। हाँ अच्छा। सर आप बोलिए ना, आपका आवाज बहुत अच्छा है। अच्छा ला। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा? अरे पांडे जी इधर तो सुनाई देगा ही ना, वहाँ सुनाई देना चाहिए। वैसे पांडे जी आपको पोपू की क्या जरूरत है, और आपकी आवाज तो वैसे ही बड़ी बुलंद है। अरे छोड़िए, प्रोटोकॉल है, सरकार हमें देती है यूज करने के लिए, हम नहीं करेंगे तो बोलेंगे यूज नहीं करते हो। सुनिए 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 मेरे प्यारे गोकुल धाम सोसाइटी के वासियों, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हो, अपने हॉल, बेडरूम, किचन इत्यादि इत्यादि कृपा करके अपने अपने बालकनी में आने का कष्ट करें। क्या आवाज पड़ नहीं रही, चलो बालकनी आ रहे। जी सर बराबर है सर, कहीं बिजी होंगे सर। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अकबर पांडे जी। हाँ आ गए सब लोग, थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं, वो जेठालाल मेहता और वो क्या नाम है उसका, एक में सेक्रेटरी भिड़े। वो जेठालाल और मेहता साहब अपने अपने काम पर गए हैं। लेकिन भिड़े तो वो घर से ही ऑपरेट करता है ना, वो क्लास वाला, वो किधर है? नहीं नहीं वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए हैं, इसलिए वो घर पे नहीं है। पांडे जी आप अचानक से हमारी सोसाइटी में कैसे आए? हाँ क्या हुआ पांडे बेटा? हाँ क्यों हो गया, दसो ना क्या हुआ, क्या वो तो बोलो। अरे शांत हो जाइए, सब लोग एक एक करके बोलिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। बोलो बोलो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं। आप लोगों ने जो पोपट के साथ मजाक किया है, उसकी आम की पेटी कहीं छिपा कर मजाक में रख दी है। मतलब? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोपट की वो आम की पेटी कृपा करके लौटा दें, ताकि इसका जीवन आगे बढ़े, वरना पुलिस को सबके घर में पर्सनली आकर तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी क्यों लेनी थी, वो तो देख के गए, हमने तो कुछ भी नहीं किया। दोस्तों इंस्पेक्टर चालू पांडे सोसाइटी में अगर तहकीकात प्रारंभ हो चुकी, आम आदमी पुलिस से बड़ा डरता है, अगर सोसाइटी में पुलिस आ जाए तो सोचता है किसके यहाँ आई होगी, क्यों आई होगी, कोई गुनहगार तो नहीं रहता। और यहाँ तो इंस्पेक्टर चालू पांडे ने घोषणा कर दी है कि सभी के घरों की तलाशी लेंगे। सोसाइटी में हड़कंप मच गया, भाई कहाँ गई है आम की पेटी, चोर कौन है? उधर पूजा जी इंतजार कर रही है, इधर आम की पेटी मिल नहीं रही है, हरीश गिफ्ट देने को तैयार नहीं है, गिफ्ट चाहिए तो पैसे लगेंगे, और पोपटलाल को मंजूर नहीं है कि पैसे देने पड़े। तो अब आगे क्या होगा, क्या ये गिफ्ट दे पाएगा पोपटलाल पूजा जी को, या पूजा जी से मिलने बगैर गिफ्ट ही चला जाएगा? भाई बहुत सारे टेंशन है, लेकिन हर टेंशन दूर होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोपट की वो आम की पेटी कृपा करके लौटा दें, ताकि इसका जीवन आगे बढ़े, वरना पुलिस को
सबके घर में पर्सनली आकर तराशी लेनी पड़ेगी। अरे हमने तो ग्रीन किया है, अरे डिब्बे तुझे एक बार तो बोला ना कि आम की बेटी हमारे पास नहीं है, फिर भी तू पांडे बेटे को लेकर आ गया। अरे सॉरी सॉरी पोपटलाल, कमाल करते हो, तुम्हारी आम की बेटी नहीं मिल रही है तो क्या हमारे घर में तलाशी करवाओगे? ओ कम ऑन पोपटलाल भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ आपकी वजह से ना मेरा और तारा का भी झगड़ा हो गया। ये देख। सॉरी सॉरी, मैंने पांडे जी को नहीं बोला आप सबके घर की तलाशी लेने के लिए, उल्टा मैंने तो इनसे कहा कि भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी ने आम की पेटी नहीं चुराई। ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे, लेकिन इनको लगता है कि आप लोगों ने ही मजाक किया है और आम की पेटी आप में से किसी के पास है। ए पोपटलाल, तुमने ही कहा था ना कि बाहर से कोई भी आदमी सोसाइटी में नहीं आया। हाँ? अगर सोसाइटी वालों ने भी आम की पेटी नहीं चुराई फिर वो आम की पेटी गई कहाँ? तो इसीलिए तो आपको बुलाया पांडे जी। जब बुलाया तो मुझे अपना काम करने दो। देखिए पांडे जी, आम की पेटी के बारे में बाद में सोचेंगे, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरी शादी अटक जाएगी। आप आए हैं, आप किसी भी तरह इस हरीश से मुझे मेरा पार्सल दिलवा दीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई देखो, ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये पार्सल पोपट को दे दो। सर 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 सर, मैं ये पार्सल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पोपट लाल जी को उस आम की पेटी के 4,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, वरना सर मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। भाई पोपट, 4,000 रुपए दे दो। अरे मैं क्यों दूं, जब मैंने आपकी बेटी नहीं ली है, किसी और ने चुराई है। पोपटलाल अभी तुम 4,000 रुपए दे दो, चोर मिलने के बाद तुम्हारा फायदा बहुत बड़ा मिल जाएगा। हाँ हाँ पोपट भाई, आपका पूजा जी से मिलना ज्यादा जरूरी है, वो स्पेशली आपको मिलने के लिए आई है। हाँ पोपट भाई, अभी पैसे के बारे में मत सोचिए, बस पैसे दे दीजिए। सही बात है पोपटलाल, पैसे तो दोबारा भी आ जाएंगे, पर पूजा जी दोबारा नहीं मिलेगी। बराबर, सही कह रहे पप्पू, तू अभी इसे पैसे दे दे, बाद में इसे देख लेंगे। ए सोड़ी, पुलिस के सामने क्या देख लेगा? सॉरी वो मुंह से निकल गया। नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसे पैसे नहीं दूंगा, बात सिर्फ पैसों की नहीं उसूलों की है, जब मैंने आपकी पेटी ली नहीं तो मैं इसे 4,000 रुपए क्यों दूं? अच्छा ठीक है, तू मत दे भाई, मैं पैसे दे देता हूँ, तू बात खत्म कर ले इसको पैसे लेके। नहीं नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए, मैं देता हूँ। हाँ तो दे दो ना। अरे हाँ हाँ, लेकिन 4,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मैं जेब में लेके नहीं घूमता हूँ, उसके लिए ऊपर घर पर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ घर पर होगा ना, देखता हूँ, मतलब होगा होगा। चल भाई, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज के बाद कभी ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाऊंगा, और तुम्हारी कंप्लेन तो मैं तुम्हारी सो एंड सो कंपनी में जरूर करूंगा। चल। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, सर आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्यों? सर ऊपर जाकर के इन्होंने कोई नया नाटक शुरू कर दिया तो, दादागिरी करके मेरे 4,000 रुपए नहीं दिए तो। अरे क्या बोल रहा है? ओए लड़के, ओए तू क्या बकवास कर रहा है? सही बात है, हमारे ही घर में आके हमारे फैमिली मेंबर को भला बुरा कहोगे तो हम नहीं चला लेंगे। अरे पोपटलाल गोल्डन हार्ट इंसान है, उसके ऊपर ऐसा इल्जाम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ आप हमारे पोपट भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। पोपट भाऊजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हारे आप पोपट भाई तो तद्दन सोचा मानस है, एकदम स्वीट है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, पोपट बहुत ही नेक इंसान है। थैंक यू सर, अब जो भी हो मैं रिस्क नहीं ले सकता, सर मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज चलिए ना आप। यू आर ऑल्सो राइट पोपट, मैं इसकी बात से भी सहमत हूँ, न्याय सबको एक ही तराजू में तौलता है। हाँ तो तौलिए। हाँ मेरा मतलब है चलिए। हाँ चलो चलो आइए, बन भाओ। हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए तुझे पास आइए आइए पांडे जी।
हाँ बोल भाई। अरे पोपटलाल, मेरे भी माधवी से बात हुई तो पता चला कि सोसाइटी में पुलिस आई है। हाँ, वो मेरी आम की पेटी चोरी हो गई है तो मैंने ही फोन करके पांडे जी को बुलाया। तो ठीक है पोपटलाल, लेकिन सोसाइटी में अगर चोरी होती तो सबसे पहले सोसाइटी के एक मेल सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। तुम्हें एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। पहला माला, दूसरा माला, फिर तीसरा माला। तुमने तो डायरेक्ट लिफ्ट यूज कर ली। हाँ तो लिफ्ट ही यूज करूंगा ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सीढ़ियां चढ़ते बैठूं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट है क्या? लिफ्ट है और पुलिस को सीढ़ियां चढ़ा रहा है तू? नहीं नहीं लिफ्ट नहीं है, वो भिड़े ने एक उदाहरण दिया उसके संदर्भ में बोल रहा था। भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी ना? हेलो हेलो, कौन? इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। हाँ हाँ पांडे जी बोलिए। सोसाइटी में चोरी हुई है और सोसाइटी का सेक्रेटरी गायब है? अरे गायब नहीं हूँ पांडे जी, मैं तो अपने काम से बाहर आया हूँ। ये भी तुम्हारा ही काम है। जब तुमको मालूम पड़ा कि सोसाइटी में चोरी हुई है तो तुमको सोसाइटी में आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल पांडे जी, लेकिन मुझे पोपटलाल इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना फोन करके। अभी इन्फॉर्म कर दिया है ना, अभी आओ। वैसे तुम हो कहाँ? वो मैं आम का अचार और मुरब्बा डिलीवरी करने आया था। आम का अचार और आम का मुरब्बा? ये आम की पेटी चोरी हुई है, कहीं तुमने दो पेटी नहीं चुराई है? क्या बोल रहे हैं पांडे जी आप? ये आम का अचार मुरब्बा तो बहुत पहले से बना हुआ था, मैं तो सिर्फ डिलीवरी करने आया था और मैं तो सुबह से बाहर हूँ। वैसे मेरा काम हो गया, मैं सोसाइटी वापस ही आ रहा हूँ। अब वापस आके क्या करोगे? पोपटलाल का काम तो हमने कर दिया। ओ क्या बात है पांडे जी, कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपने गोकुल नाम में केस सॉल्व कर दिया। केस सॉल्व नहीं हुआ है। ओ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है मैं आता हूँ। तुम आकर केस सॉल्व करोगे? नहीं मैं क्यों केस सॉल्व करूंगा? तो फिर क्यों आ रहे हो? मैं तो वहीं रहता हूँ ना, तो मैं तो उधर ही आऊंगा ना पांडे जी। ओ हाँ वाह, ऐसे टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला है। इसकी गहराई से जांच होगी, तहकीकात होगी और जो भी गुनहगार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पांडे जी, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, थर्ड डिग्री। अगर आप इजाजत देंगे ना तो दो तीन जूते मैं खुद मारूंगा उसे। पोपटलाल कुछ काम तो पुलिस के लिए छोड़ो। सर आपको जो भी सजा देनी है दे दीजिएगा, पर थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है। ये कौन बोला पांडे जी? ए, तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ तुम मेरे बॉस हो क्या? तुम क्या सॉल्व करोगे? बंद कर। चलिए पांडे जी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अच्छा तुम दोनों को लेट हो रहा है और पुलिस पुलिस स्टेशन में बैठ के पंखे की हवा खाते रहती है क्या? अरे पुलिस वाले का टाइम सबसे कीमती होता है। शहर में जब एक गुनाह होता है ना, पुलिस उसे सॉल्व करती है, तब तक शहर के किसी कोने में दूसरा गुनाह हो चुका होता है। और उस पहले गुनाह को सॉल्व करने के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के बजाय जो दूसरा गुनाह हुआ है उसके लिए तुम जैसे पत्रकार मुंबई पुलिस को कोसते रहती है। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए चलिए सर, चलिए चलिए। आइए 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 पांडे जी, आइए आप बैठिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। अरे पांडे जी आप ऐसे बाहर क्यों खड़े, अच्छा नहीं लगता। आप आइए ना प्लीज, अंदर बैठिए ना। इट्स ओके। प्लीज प्लीज पांडे जी प्लीज अंदर आइए, पहली बार मेरे घर पर आए। सॉरी यार पांडे जी, थोड़ा जल्दी में उसने आपको चाय पानी कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ओके इट्स ओके सर, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे भाई सिर्फ पूजा की वजह से मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तेरी गलती की वजह से मुझे 4,000 का चूना लग गया है। पोपटलाल इज ऑल्सो राइट। हाँ सर हाँ। बहुत ही अच्छा घर मेंटेन किया हुआ है बैचलर होने के बावजूद, एक सुकून सा मिलता है यार। ओ पांडे जी, वो जो आदमी दिल के सच्चे होते हैं ना उनके घर में सुकून ही होता है। अच्छा बस एक बार मेरे यार पोपटलाल की शादी हो जाए, वो परजाई घर में आ जाए, फिर तो रोनका ही रोनका है जी। एक बात समझ में नहीं आई, इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इस बेचारे की शादी क्यों नहीं हो रही है? वैसे गलती तुम्हारी भी है। सर उनकी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे यार तुम उसका एक्चुअल पार्सल लाकर दे देते और आम की पेटी नहीं रखते तो आज ये मुश्किल नहीं खड़ी होती ना, आज उसकी शादी फिक्स हो जाती। तो? सर दोनों ही कस्टमर का नाम पोपटलाल था, इसलिए गड़बड़ हुई। सर मैंने तो अपनी गलती तुरंत सुधार ली, अब इन्होंने ही आम की पेटी खो दी तो इसमें मैं क्या करूं? I know. क्यों हुआ पांडे जी? Thank you.
क्यों? इधर आओ। हाँ? ये क्या है? वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि ये क्या है। अरे सर, ये वही पार्सल है जो मैंने पोपटलाल जी को दिया था। कौन सा? ये दिया पार्सल मतलब? अरे सर, ये वही आम की पेटी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हैं? अरिशो? हाँ सर। देखा, मुझे पहले ही डाउट था कि आम की पेटी उन्होंने ही चुराई है। पाटिल सर, पाटिल, इट्स टाइम टू वर्क। लॉक द डोर। यू बोथ मूव। मूव। पाटिल, एक बॉक्स उठा। जी सर। हाँ, ना ग्लव्स पहन। सॉरी सर। सबूत पर अपराधी के उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक ईमानदार पुलिस वाले के नहीं। जी सर। क्विक 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 क्विक, वी डोंट हैव टाइम। वजह नहीं क्या? जी सर। हेल्प करो। नो सर। थैंक यू पाटिल। अब इस पेटी को खोला जाए। पहले से कुछ खुला हुआ है। थैंक यू पाटिल। वेलकम सर। थैंक यू। खास फूस के पीछे है क्या? वी हैव टू चेक। वाओ, मैंगो। सीजन के पहले आम की खुशबू। सर सर सर, देखा आपने, आम की पेटी उन्होंने अपने घर में छुपा रखी और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई नो आई नो। पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल कहीं उड़ तो नहीं गया? डोंट मूव, डोंट मूव। आहा, पड़े, तुम इस सबूत पे नजर रखोगे, कोई इसे टच नहीं कर पाए। जी सर। पांडे जी, चलिए उसे पैसे दे देते। गोल्डन क्रोन अवार्ड विनर। थैंक यू, चलिए उसे पैसे दे देते। अरे रुकिए तो सही पोपटलाल जी, जस्ट फॉर माय नॉलेज मैं जानना चाहता हूँ, तुम इस प्रोफेशन में कब से हो? 22 साल से। 22 साल से? हाँ, अभी 12 साल से मुंबई में हूँ, उसके पहले भोपाल से ऑपरेट करता था। मतलब दो स्टेट की पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। पोपटलाल, तुम इस प्रोफेशन से खुश हो? अरे खुश क्या, बहुत बहुत खुश हूँ। मैंने इस प्रोफेशन में बहुत तरक्की की है। आप ये जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं मेरा घर वगैरह, वो मेरे प्रोफेशन की बदौलत ही हुआ है। अच्छा, तुम्हारा जो है ये प्रोफेशन है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इसे अकेले ही संभालते हो या कोई पार्टनर वार्टनर भी? पांडे जी, आई एम वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी? पांडे जी, मेरा इंटरव्यू बाद में कर लेंगे, उसे पैसे देके अभी निकलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है पोपटलाल? पूजा मेरा वेट कर रही है। अरे जहाँ इतना वेट किया है वहाँ कुछ देर और वेट कर लेगी। एक बात कहूँ पोपटलाल, गलती इंसान से ही होती है और आज हमसे हो गई गलती। आपसे क्या गलती हुई? हाँ, तुम्हें पहचानने में। सोच रहा हूँ तुम्हारे माता पिता ने कितने प्यार से तुम्हारा नाम पोपटलाल रखा होगा। जब उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो सोचो उन्हें कितना कष्ट होगा। और ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ, बाहर चलिए, सब पता चल जाएगा। इधर आओ। ये क्या है? आम की पेटी। ये आम की पेटी यहाँ कैसे आई? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये आम की पेटी यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता ये पेटी यहाँ कैसे आई। सर मैं बताता हूँ कि ये आम की पेटी यहाँ कैसे आई।
इन्होंने मुफ्त में आम खाने का प्लान बनाया, मेरे सामने नाटक किया और तो और सर इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया, लेकिन वही आप आए और इनकी पोल खुल गई। नहीं 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 पांडे जी, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है तू? नो इट्स राइट, पत्रकार समाज को सही राह दिखाता है और तुम पके हुए आम कैसे चुराए जाते हैं ये सिखाते हो। अरे नहीं नहीं पांडे जी, मुझे सच में नहीं पता ये पेटी यहाँ कैसे आई। पप्पू हाँ? दो मिनट पांडे जी, थोड़ा पर्सनल है, सिर्फ दो मिनट। ओके उठे। हाँ ओए पप्पू, तुझे नींद में चलने की आदत तो नहीं? नहीं क्यों? नहीं ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच गए। नहीं हो सकता है तू नींद में ही आम की पेटी ऊपर लाया हो और तुझे पता ही ना चला हो। क्या बोल रहा है? अरे वो होता है ना, एक ही इंसान में दो इंसान के स्वभाव आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्प्लिट पर्सनालिटी। बहुत ऑफ यू स्प्लिट। इसका मतलब तुम कभी पोपट या सुनहरा कौवा बनकर उड़ते हो? अरे नहीं भाई, मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पंछियों को दाना डालने के लिए ऊपर आया था तब मैंने आम की पेटी को नीचे रखा था, और जब मैं वापस नीचे गया तब आम की पेटी वहां नहीं थी। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि आम की पेटी अपने आप दो माले चढ़कर बिना चाबी के दरवाजा खोलकर तुम्हारे घर में आती है और सोफे के पीछे बैठकर छिप जाती है। अरे पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये आम की पेटी मेरे घर के अंदर कैसे आई मुझे नहीं पता। कानून सिर्फ सबूत देखता है पोपटलाल। तुमने कंप्लेंट लिखवाई थी कि आम की पेटी चोरी हो गई और वो आम की पेटी तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए कानून की नजर में तुम गुनहगार। आम की पेटी चुराने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे नहीं 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 पांडे जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे यार ऐसे कैसे जाने दे, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को हमने छोड़ दिया तो समाज में कितना क्राइम बढ़ जाएगा। 24 घंटा हमारा क्रिमिनल के साथ बीतेगा, हम अपने परिवार के साथ जीवन कैसे बिताएंगे? कब हम अपने परिवार के साथ पके हुए आम खाएंगे भाई? पाटिल जस्ट अरेस्ट। यस सर। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट पांडे जी। चले मान लिया आपके हिसाब से आम की पेटी मैंने चुराई है, लेकिन आप ही ने कहा था ना न्याय सबको एक ही तराजू में तोलता है। तो अब आप मेरी बात सुनिए, अगर मैंने आम की पेटी चुराई होती तो मैं खुद फोन करके आपको सोसाइटी में क्यों बुलाता? और चलो एक बार बुला लिया, लेकिन फिर मैं आपको अपने घर पर क्यों लेकर आता? मैं कहता ना कि आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। एक मिनट सर। सर आपको ऊपर आने के लिए पहले मैंने बोला था, इन्होंने नहीं। इज राइट। थैंक यू सर। हाँ माना आगे इसने बुलाया था, लेकिन मैं मना भी तो कर सकता था। और एक खास बात, मैं आम की पेटी यहाँ क्यों रखता पकड़े जाने के लिए? पांडे जी आप एक काबिल इंस्पेक्टर, आप ही बताइए, कोई चोर चोरी का सामान ऐसे सामने थोड़ी रखता है। पोपटलाल, मेरा इस कमरे में दम घुट रहा है, अब तुम्हें जो भी कुछ कहना है कोर्ट में कहना। सर मैं ये आम की पेटी ले जाऊं? हाँ ले जाओ भाई, ले जाओ भाई। नो बड़ी भी दत्त दी आम की पेटी। ये आम की पेटी पोपटलाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, अब ये पेटी पुलिस स्टेशन जाएगी, वहां से कोर्ट में केस बनेगा, कोर्ट जब फैसला करेगा तब देखा जाएगा, तब तक ये पेटी कानून के हिरासत में रहेगी। पांडे जी तब तक तो आम खराब हो जाएंगे। I can't help it। पोपटलाल तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे नहीं 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 पांडे जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, वहां पूजा मेरा इंतजार कर रही है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी शादी होते होते रह जाएगी। ये तो कमाल हो गया, जिस आम की पेटी को सारी दुनिया में ढूंढा गया वो आखिरकार कहां मिली?
पोपटलाल के ही घर में। लेकिन ये बात खुशी की नहीं है, टेंशन की है, क्योंकि अब इंस्पेक्टर चालू पांडे पूछताछ करेंगे, तहकीकात करेंगे। भाई बड़े अजीबो गरीब हालात में फंस गए हैं पोपटलाल, अपनी ही आम की पेटी के चोरी के इल्जाम में गुनहगार हो गए हैं। भाई अब क्या करेंगे इंस्पेक्टर चालू पांडे, असली चोर को पकड़ेंगे या पोपटलाल को जेल की हवा खिलाएंगे? क्या होगा आगे, पोपटलाल को कौन बचाएगा? और सबसे बड़ी चीज, ये आम की पेटी पोपटलाल के घर में आई कहां से? भाई जितने सारे सवाल उतने सारे ठाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.